नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निंजा टेक्नो में। मेरा नाम मनीष और आप देख रहे हैं YouTube चैनल निंजा टेक्नो। तो दोस्तों, अगर आप काइन मास्टर यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बात बताने वाला हूँ कि अगर आप काइन मास्टर में वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना होता है और हम कम MB में अच्छी क्वालिटी कैसे ले सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको काइन मास्टर में वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले क्या क्या सेटिंग करनी होती है और कम MB में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप कैसे ले सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरा यूज़र नेम आ रहा है और मैं आपको बताता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं आपको फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वहाँ पर होता है स्टोरी टैब का ऑप्शन। स्टोरी टैब में मैं अपनी जो मेरी कमिंग सून में वीडियो आने वाली था, मैं उसका थंबनेल स्टोरी टैब में डाल देता हूँ और मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हम अपना काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर जो प्लस का आइकन आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आ रहा है 16:9 का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक मीडिया ले लेना है। मीडिया लेने के बाद मैं आपको एक वीडियो लेकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो ले ली, ये वाली जैसे मैंने वीडियो ली, तो वीडियो लेने के बाद जैसे कि हमें यहाँ पर जो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है ऑडियो फेड आउट। तो ये ऑडियो फेड आउट ऑन है तो आपको इसे ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद अब हमें राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है एक फुल HD, एक आ रहा है HD और एक आ रहा है HD। तो दोस्तों, आपको जो है फुल HD 108p पर क्लिक कर देना है और आपको फ्रेम रेट रखना है 30। फ्रेम रेट 30 रखने के बाद फिर आता है बिट रेट की बारी। तो आपको बिट रेट में यहाँ पे जो है 10 रख लेना है, 10 MBPS की स्पीड पर रख लेना है। तो 10 MBPS की स्पीड पर हमें देखो 314 MB की मेरी ये वीडियो बन चुकी है और अब आप उसको यहाँ पर सिंपल से एक्सपोर्ट कर सकते हो ऐसे करके। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।